Yampi, Sankham, Saranam, Gacchami, Tat Yampi, Buddham, Saranam, Gacchami, Tat Yampi, Dhammam, Saranam, Gacchami, Tat Yampi, Sankham, Saranam, Gacchami, Iti Tisaran Saranagaman Sampurnam. Ugh!
अंतिम वंदना सकलं विद्यं पितृव्यानां देवरूपाशुकी महं निबलचक्षु गभीरभूतं गौरवर्णं शुकायं अभयचित्तं निभयकामं सुरधर्मं सुप्रियं तिरथरजं सुजन्यतं भीमरावं शरामि दिव्य प्रोणचतु साधु वरदान तु वद कुलभूषणु भीमराजा सकल विद्यापति गैर सत्संगति सदुषा सन्मति बुद्धि तेजा पंचजा नर्मदा रत सगुणधारा भगवंत में आम जागरा भक्ति काजा चापदार शंकरी क्षत्र धैता करी कर्मला हरी राज रूपा भुक्ति पद कोणता जी स्मृति जानीता कुढ़ाली लाय गजका मार्ग साजा राष्ट्र गजना गति शोभते वारती महामाना बोलती साधु सज्ञ शरण बुद्धा से शरण धर्मा शरण संघासिमी भी उराजा शरण संघासिमी भी उराजा हमारे तो यहाँ देवाचा ब्रह्मो यमी ही कत्तर पियं सो संपत्ति साधकं सभी तवे अनुमोदित स्वग्गा शासने रता पवाद रहता होतु है रखा चौबीस विशेषतो शासन से चालो कच्चे मिट्टी भवन तू समझा शासन पिचालो कच्चे देवार कच्चे समझा सब्जी मोन तू चुकी सब में परिवार ही अंतरो अरिंदा चो ना हो तो सच वे ही आत्मे राज तो वा चोर तो वा मनुष्य तो वा अमनुष्य तो वा अभितो वा उत्कतो वा पिशाच तो वा खान कतो वा कर्म कतो वा न कर्त तो वा जन पद रोग तो वा सब धम तो वा संजित तो वा सब पुरुष तो वा कर नहति अचमित गौण कुकुरी आई मिच्छिका मरि सब पति पे अच्छे तर अच्छे क्यों कर वही से रख रख शादी ही नाना भय तो वा नाना रोग तो वा नाना उपद तो वा यार कंगन हंतो छोटी पर छोटी एक दूसरा को बोल दी अब तो इसे पहले लाइक बंद कर समय भी ज्यादा हो नहीं जा रहा है आगे मारती यह मंगलम द्वार सहित तयिं सुदेव का सौथानो नजिगच्छन्ति यच्छति सन्ति मंगलम देशितं देव देवेन सर्व पापै विनाशनं सर्व लोकाय कर्ताय मंगलम तं प्रणामये एवमेषु तं एकं समयं भगवा सावच्यं भेरति चेतमने अनाच पिण्ड कश्या रामे यत्कोऽन्तरा देवता विकन्ताय रत्या विकन्तवर्ण केवल कम्पं चेतमनो उपसेत्वा येन भगवान तेन पृथं कवी उपथं कवित्वा भगवान कवी भवदेत एकमत्तमट्ठाची एकमत्तर्पिता कोशा देवता भगवन्तं गाथायज्वाचे बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि यचिन्तयो कल्पमाना चोत्तरमुनिमङ्गलोक्तमाम् अशेवना च बालानां पठितानां च सेवना पूजा च पूजनीयन्तरीतं मङ्गलोक्तमं पतिमुपदेशवाचो च पूपे च कल्पयता अत्यतमा पंडित जायत मंगल उत्तम बहु संचर्चित शिपच विनियोच सुशिक्षित सुभाषित जाया वाचा ये तो मंगल उत्तम माता पितु पठन पुत्र दार संग हो वना कुलाचा कामंता ये तो मंगल उत्तम दान से धर्म चर्या का ये तो कानम संग हो अनवज्ञानी कर्मारी ये तो मंगल उत्तम रजिरति पापा मज्जपाना तर संयमो अपमातु धम्मे चूचा मंगल उत्तम गर्भोचारी वाचोचा चतुर्चिता कतुर्यता कार्य धर्म श्रवणम एवं मंगल मंगल उत्तमम कतुर्चा सोचम सोभच सता श्रवणानच दर्शनं कारेण धर्म श्रवकच्छा एकं मंगल उत्तमम तपोचा ब्रह्मचर्यं च सच्चान दर्शनं निवार सच्च क्रिया च एकं मंगल उत्तमम फुटच लोकधमे चित्तम उन
नमे पान छोड़ते रहेंगे ना धार धीरे धीरे लगा ही रहा पतली धार जिस प्रकार से ऊपर से नीचे पानी आता है उसी प्रकार मेरे द्वारा अर्पित जल प्रेतात्मा को प्राप्त हो। जिस प्रकार नदियों का प्रवाहित जल समुद्र को भर देता है उसी प्रकार मेरे द्वारा समर्पित जल प्रेतात्मा को प्राप्त हो, जिससे वे भी पूर्ण रूपे प्रवाहित होते रहे। सागर हो गया और ये बाकी वो लोटा बाप के पीछे था, वो लोटा नहीं। अच्छा इसी पानी को लगा दूंगी, जैसा कार्य करी फिर दूसरा मंगाई दादी, इसी को डाल दी थाली में। थाली आज तो कमर समय खाली ना, इसमें डाल दी पानी और गिरी ना पाई। संसारा उपादवय धामिनो उपजित्वा निरुज्झन्ति तेषां उप समो सुखो। यानी सारा संसार अनित्य ही है। उत्पन्न होने वाले प्राणी वस्तु स्थिति आदि अनित्य ही है। उत्पन्न होना स्वभाव है, इसका पूर्ण तथा उपशमन यानी नष्ट हो जाना है, उसी का नाम सुख है। अब वही दुखद निर्वाण है, सुखद निर्वाण है। जब आदमी इस लोक से विदा होकर के अन्य स्थान में जाता है तब वहाँ इसका कौन कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कुछ, तभी सुख है। और यहाँ जब रहता है ये काम बिगड़ा हुआ है, ये बेटी यहाँ जा रही है, बेटा वहाँ जा रहा है, बेटी के लिए कोई साग सामग्री नहीं है, बेटा के लिए कोई साग, माने हर तरह से वो कल्पना करता रहता है, कभी सुख नहीं पाता। और जब यहाँ से विदा हो जाता है हर तरह से सुख प्राप्त होता है। सभ्य संखार अनिच्छति यथा पर्याय
पश्यति अथ निपिधन्ति दुःखे यस्य मगो विशुद्धिया सभी निर्मित सांस्कारिक वस्तुएं संस्कार अनित्य है। यह जो करते हैं ये भी कुछ समय के लिए कर रहे हैं, फिर बातें हमेशा छोड़ देंगे ना, सब अनित्य है, कोई निश्चित नहीं है। जब कोई विपश्यना के द्वारा यथावत प्रज्ञा के चक्षु से देखता है, चक्षु जानते हैं ना, मन चक्षु वाली आंख होता है, अच्छी तरह से आंख से देखता है, ध्यान करता है, तब आंखों से देखता है उसको संसार के अधूरा, जैसे महात्मा भगवान आपके सरोवर जब विपश्यना किए होंगे, ध्यान किए होंगे, तब सारी वस्तुएं इनको प्राप्त हुई होगी। पानी हो गया पानी इसको जो है इस पेड़ में प्रवाहित कर दीजिए, डाल दीजिए, जहाँ कब उनका जन्म हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने शरीर का कोई विभिन्न हिस्सा खो दिया। ये शरीर है लेकिन शरीर का मुख्य अंग अगर मस्तिष्क चला जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। इसी दुख के साथ में उनके पर निर्माण के लिए वंदन करता हूँ, भगवान बुद्ध के शरण में यही वंदन करता हूँ। हम सब आदरांजलि सम्मान अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनके परिवारजनों से बार बार विनती करता हूँ, अभी भंते जी ने जो उपदेश दिया, जो शांति पाठ किया, उन्होंने अनित्यता पे ज्यादा फोकस किया। ये संसार अनित्य है, हर व्यक्ति अनित्य है, यहाँ की हर वस्तुएं अनित्य है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, संसार परिवर्तनशील है। और तथागत गौतम बुद्ध की शरण में हम सब आए हैं, तो उनसे प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें अपने मन से वचन से कि प्रतिदिन सर को तथागत गौतम बुद्ध की पीपल वृक्ष के नीचे करुण छाया मिले और उनका जाने के बाद उनका परिवार खुशहाल रहे और इनको तथागत बुद्ध से ये शक्ति मिले, साहस मिले, ये बात सुनकर के वो अमल में लाए। अब वो नहीं है तो हमको सिंबल में यानी मजबूती अपने को स्वयं बांधना है, धारस चढ़ाना उनके बच्चों को परिवार को। प्रदीप सर इस घर के मुखिया थे, अब वो नहीं है तो मुखिया किसी को बनना है, बालक तो अभी छोटा है। मैं समझता हूँ उनकी पत्नी जो धर्म पत्नी है जीवन संगनी है वो मुखिया बने, मैं कई बार कह रहा हूँ मुखिया बने, अपने को सचेत अवस्था मिला, बने नहीं बनी है, बनी थी पहले से सचेत अवस्था मिला है। नात रिश्तेदार चार लोग आए उनको देखे, बच्ची है उनके, दामाद है, बेटा है, आगे बेटा की शादी होगी, वो सारी चीजें हैं, जिम्मेदारियां हैं, परिवार संभालना है, संपत्ति संभालना है, ये सारी चीजें करनी है। तो जब आप सचेत अवस्था में रहेंगे तब ये संभव हो पाएगा, इसलिए अपने आप को कठोर दिल बनाइए और इस बात को समझिए। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आए हैं, बहुत ऐसे घटनाएं छोटा लगे जीवन में जब देखने जाओगे तो तुम जाओ उनके सामने, निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। वो महिला जाती है भगवान बुद्ध के शरण में नतमस्तक होकर कहती है, भगवान मेरे पुत्र को वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए, जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि महिला जब भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको पढ़ लिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हे बहन हे बेटी बिल्कुल मैं जिंदा कर दूंगा, तुमको एक काम करना होगा। महिला को बड़ी आशा लगी कि भगवान बुद्ध बिल्कुल हमारे जो आशा के अनुरूप काम करने वाले हैं। तुरंत बोली, हे भगवान जो कहेंगे वो मैं काम करने के लिए तैयार। चल दी भगवान बुद्ध बोले, सरसों का एक मुट्ठी दाना तुमको नगर से किसी के घर से न लगवाना है। वो चल दी कुछ दूर जाती है, भगवान बुद्ध वापस करते हैं, हे बहन हे बेटी एक बात और सुनती जाओ, ये राई के सरसों के दाने उसी घर से लाना है जहां कोई कभी मरा ना हो। वो उसको अपनी पीड़ा के आगे दूसरों की पीड़ा कहां दिखती है, संसार का दुख कहां दिखता है, उसको नहीं दिखा कि भगवान बुद्ध समझाना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें दुख में थी, इतनी दुख में थी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो जाती है
हर घर में जाती है और लास्ट में उसको जो जवाब मिलता है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये जवाब सुन लेना, उसके बाद ही राय का दाना लेना। उस घर से पूछती है आपकी घर में कोई मरा तो नहीं, कोई जवाब दे रहा कि मेरा पूरा परिवार मर गया, कोई बता रहा भूकंप से मर गए, कोई बता रहा अभी अच्छी जा रही, कोई कुछ भी, मतलब कोई घर नगर का मांगते मांगते राय का दाना थक जाती है, कोई ऐसा घर मिला आप भी जानते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है कि कभी कोई मरा ना हो, कोई वृद्ध है, कोई लड़का है, कोई बीमारी है, ये संसार का अनित्य है, ये संसार का काम है। उस महिला को जब ये बात समझ में आ जाती है तो वो अपने बच्चे का दफनाती है और भगवान बुद्ध के शरण में आके भिक्षु बन जाती, कहती है हे तथागत, मुझे समझ में आ गया है ये संसार अनित्य है, मुझे भी एक दिन जाना है, मेरे पुत्र मेरे सब चले गए हैं, अब मेरे पास कोई जीवन का सहारा नहीं है, इसलिए मुझे आप शरण दीजिए, आप अपना भिक्षु बना लीजिए। इस तरह से वो सन्यासी बन जाती है और सन्यासी बन के पूरा जीवन अपना जाती है। तो आपके पास पूरा परिवार है, आपका पूरा घर है, आप संभालिए, ये दुख आना जाना लगा रहेगा, ये हमको दुख है, आपको दुख है, समय संसार को दुख है, सबको दुख है, और उनके जाने से हम सब दुखी हैं क्योंकि आपके परिवार की तरह ही हम थे। आज ये जो पंचमी का जात के लोग बैठे हैं, कोई आज इस मोहर में कोई किसी के यहाँ नहीं जा रहा, ये मुखिया हमारे भी थे, आपके मुखिया थे, हमारे भी थे, आज ये पूरा संगठन टूट गया उनके जाने से, अत्यंत दुखी है हम लोग, लेकिन क्या करेंगे, कितना दुख व्यक्त करें, कितना रोएंगे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। हम नई ऊर्जा के साथ उनकी बातों को अमल में लाए कि प्रदीप सर कैसे सौभाग्य थे, वो रोना नहीं सिखाए किसी को, हंसना सिखाए हैं, यहाँ कोई भी बैठा बता दे मुझे, उन्होंने हर समय मुस्कुराते, उनको कोई आलोचना दे दे, गाली दे दे, कुछ भी करे, वो हंसते ही रहते थे। तो आप हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए और दुख से लड़ना सीखिए, यही मेरी सांत्वना है, यही मेरी भगवान बुद्ध से करना है, भगवान बुद्ध से विनय है। अंत में दो वचन के लिए हमारे परम साथी रहे, सब सभा